युवाओं के हक की लड़ाई के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले छात्र नेता दिलीप एक बार फिर से छात्रों के हित में खड़े हैं और मुद्दा है कि जो शिक्षकों यूपीएससी के जरिए शिक्षक बहाली होनी थी उसमें डोमिनियन नीति को हटा दिया गया है। ऐसे में आज फिर से इन लोग आंदोलन प्रदर्शन इन लोग का जारी है। हम बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है जो कि आज अभ्यर्थी यहाँ पर देखिए शिक्षक बहाली में जो डोमिसाइल को हटाया गया उसी के विरोध में आज आंदोलन शिक्षक अभ्यर्थियों का हो रहा है पटना में और गांधी मैदान में डाकबंगला चौराहा पे और वहाँ प्रशासन के द्वारा सब जगह लाठीचार्ज करके भगाया जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो सरकार के द्वारा दिख रहा है कि तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है। छात्र मांग नहीं रखेंगे सड़क पे तो कहाँ जाके रखेंगे, छात्र तो अपनी मांग ही रख रहे हैं सरकार के सामने। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को सरकार को सुनना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए, तो लाठी मार के भगाया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। मुझे अभी अभ्यर्थियों ने ही बताया है कि गांधी मैदान में लाठीचार्ज किया गया है, तो ये तो गलत है ना। आप अभ्यर्थियों की बात को सुनिए, उनकी मांग को सुनिए, न कि आप लाठी मार के भगा दीजिए। तो ऐसे में आप लोग का क्या लग रहा है कि आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है? ये कमजोर करने के लिए किया जा रहा है लेकिन इससे आंदोलन और मजबूत हो जाएगा। छात्रों को पर जो लाठी चार्ज किया जा रहा है ये कमजोर करने के लिए किया जा रहा है लेकिन इसका असर उल्टा होगा, आंदोलन और मजबूत हो जाएगा। आगे क्या करेंगे आप लोग? ये वो घर चले जाएंगे या फिर आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? देखिए आप देखिए ये आंदोलन का आह्वान शिक्षक अभ्यर्थियों के जो संघ सब बनाए हुए उन लोगों ने किया था और मैं इनके सपोर्ट में आया था, तो अब उन लोगों से बात करते हैं वो लोग क्या आगे करने वाले हैं, उसके बाद हम भी कुछ कह पाएंगे। तो देखिए जिस तरह से आंदोलन आज रखा गया था और उस आंदोलन में आज जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जिस तरह से पटना के गांधी मैदान से ये लोग देखिए सारे अभ्यर्थी निकले थे और वहाँ से इन लोग का आंदोलन डाकबंगला होते हुए जाना था लेकिन प्रशासन के द्वारा ने बीच में ही रोक दिया गया और जितने भी अभ्यर्थी थे सबको इतर बितर कई गुट में अलग अलग कर दिया गया। ऐसे में छात्र नेता दिलीप का भी कहना यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन हम लोग की जो यूनिटी है उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जो इन लोग का आंदोलन प्रदर्शन है उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये आंदोलन और मजबूत होकर के रहेगा और हम लोग का धरना प्रदर्शन और जो सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है वो जारी रहेगा। फिलहाल कितना ही बने रहेगा पटना से, कितना सिंह रिपोर्ट।